दोस्तों, हम जो एक पुण्य का काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस बीमा, पता है हमारे बीमा करने से उनका फैमिली में बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। आज एक कन्यादान पॉलिसी के बारे में ही हम अगर बताएं, लड़की के एक थोड़ा थोड़ा पैसा होता है, आज अगर 1020 या चलो आप 40 रुपये रोज यानी महीने का 1200 के समथिंग 7 लाख रुपया मिल जाएगा लड़की की शादी पर, एक बड़ा अमाउंट आ जाता है। और आपको पता है कल पापा के साथ कुछ मिस हैपनिंग भी हो जाती हैं तो उस दिन से किस्त नहीं ली जाती है और 5 लाख इमीडिएट माँ को मिल जाएगा। उसके बाद 25,000 प्रतिवर्ष मिलेगा लड़की की शादी के लिए, लालन पालन भरण पोषण के लिए वो अलग से मिलेगा, और शादी पे 7 लाख और मिलेगा, यानी 3 क्लेम हो गए। पहला 5 लाख, उसके बाद 25,000 पढ़ाई के लिए भरण पोषण प्रतिवर्ष मिलेगा 20 साल तक जब तक उसकी शादी नहीं होती। तीसरा मिलेगा उसको 7 लाख शादी पर, यानी शादी भी हम करवाएंगे, उसका लालन पालन भी हमारी ओर से होगा, और 5 लाख इमीडिएट माँ को मिल जाएगा। वो 5 लाख से माँ अगर पेंशन प्लान में डाल ले तो एक दाल रोटी की जुगाड़ हो जाएगा। तो ये एक अच्छा प्लान है। अभी देखो, ये कुछ लोग इस प्लान को नहीं ले रहे, उनको समझाने का ट्रिक आपके पास होना चाहिए। अभी मैं आपको एक्सप्लेन दूंगा। मेरे फ्रेंड है, अभी मुझे मिले थे, उनकी बेटी है, एक बेटी की उम्र हो गई 30 ईयर्स क्रॉस हो गई है, 30 साल क्रॉस, यानी शादी की जो उम्र भी खत्म हो गई, और एक बेटी की उम्र हो गई 28 साल। अब मैंने बोला यार इन लोगों को, लड़कियों की शादी क्यों नहीं करवाता, तो उसने बोला मुझे कि मुझे लोन भी नहीं मिल रहा, ना ही कोई सगे संबंधी मुझे उधार दे रहे हैं, और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि मैं बच्चों को शादी कर सकती, और बच्चों के चेहरे में मायूसी। देखो, हर बेटी का एक सपना होता है कि मेरी शादी मेरे पापा बहुत अच्छी करवाएंगे, हर बेटी का ख्वाब होता है मन में कि मेरी शादी बहुत सुंदर होगी, सबसे बेहतर होगी, और इस बेटी की शादी उसका सब, वो कुछ कहती नहीं है गुड़िया, लेकिन उन्हें सब पता है कि मेरे पापा देखो मेरी शादी नहीं करवा पा रहे, और वो देखो लड़कियाँ बहुत त्याग कर लेती हैं और मन को मार लेती है, वो जो है ठीक है क्या करें। लेकिन उस इंसान को मैंने बोला कि सर आपको पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करना था, आप 40 रुपये रोज़ के तो कर सकते था। उसने बोला मैं रोज़ का 500-700 रुपये कमा रहा था, उसमें मैं 40 का 100 रुपये भी दे सकता था, मुझे कोई देने वाला बताने वाला मिला नहीं, मुझे कोई एजेंट ही ऐसा नहीं मिला, अगर मुझे कोई एजेंट उस समय ऐसा मिला होता तो मैं करवाता, हंसराज जी मुझे भी आज 8-9 लाख रुपये मिलता, मैं कर सकता था। लेकिन एक्चुअली क्या है, कुछ लोग तो एजेंट नहीं मिलते, दूसरा कुछ लोग बचत को हल्के में लेते कि नहीं क्या करना, ताज़ा कमाना और ताज़ा खाना, किसको देखना है, बच्चे के घर में बच्चे के पास, ये सोच वाले भी लोग रहते हैं। तो आपको कस्टमर को समझाना है, ये स्टोरी बतानी है कि ऐसी ये बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर अचानक पैसा कहाँ से लाओगे। आज भी देखो लाखों रुपये इकट्ठा करना हो तो बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद बोलूँ अगर मुझे 5-7 लाख अगर 2 महीने भर में निकालना हो तो नहीं निकल पाएगा, छोटा छोटा पेमेंट निकल जाता है। इसलिए अभी से आप छोटे छोटे बचत करो, बड़ा अमाउंट